आलस से रहित तो होकर कर्मठ बनकर कर्मयोगी बनकर जीने की, लापरवाही की आदत कभी मत बनाओ, आलस्य करते रहने की आदत मत बनाइए, और दीर्घ सूत्र ना बने, लंबा खींचते रहना किसी भी बात को, आज के काम को कल पर टालते रहने की आदत। इसलिए ये जो एक साधना होती है जिसे बोलते हैं चांद्रायण तप, इसमें यही साधना होती है। चुने हुए 16 गुण, उनका अभ्यास करना होता है कि जीवन को नया बनाना, रूपांतरण देना, नवीनीकरण करना। मौका निकाला करिए कि आप 15-16 दिन के लिए सब कुछ छोड़कर एक स्थान पर आ जाओ, जहां गुरु के सानिध्य में आपके जीवन को नया रूप देने के लिए तैयारी की जाए। मैं देखता हूं कि विदेश में लोगों की आदत है, वे अपना समय निकालते हैं, अपने किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो उसमें और नया सीखने के लिए और अपने को बेहतर बनाने के लिए, और एक शब्द बोला करते हैं कि मस्तिष्क का नवीनीकरण करने के लिए एक हफ्ते के लिए निकल रहे हैं हम लोग, दिमाग को नया बनाने के लिए। और हम सब जिस तरह से एक दायरे में बंध गए, एक गोल घेरे में घूम रहे हैं, सुबह भी वही है, शाम भी वही है, जिंदगी इतनी लंबी हो गई फिर भी वही दायरे में गोल गोल घूमते जा रहे हैं। पुराना समय होता था जब तेल सरसों का निकाला जाता था तो कोल्हू में बैल जोड़कर निकालते थे, लोग बैल जोड़ देते थे, वो गोल गोल घूमता रहता था। अभी भी गांव में कुछ लोग गन्ने का रस निकालते हैं तो उसमें भी बैल जोड़ देते हैं और वो भी गोल गोल घूमता रहता है। तो किसी ने बैल से पूछा कि कितना चले हो सुबह से, कहता है 50 किलोमीटर। पूछा पहुंचे कहां हो, बोले पहुंचे कहीं भी नहीं है, वहीं के वहीं। किसी बस के कंडक्टर से पूछो कितना चले हो, बोले आज तो 250-300 किलोमीटर चले हैं, पहुंचे कहां है, बोले सुबह जहां से चले थे वहीं शाम को खड़े हैं। तो वहीं जाके उसी रूट पे वापस आना होता है ना, यात्रा बहुत, खड़े वहीं, वही परेशानियां, वही दुख, वही झंझट। परेशानियों के नाम बदल गए हैं, पीड़ा भोगने वाला वही, क्योंकि आप एक ही दायरे में गोल गोल घूम रहे हैं, उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। निकलोगे कब, जब आप सोचने के लिए तैयार होगे, परिवर्तन के लिए तैयार होगे, चेंज लाने के लिए तैयार होगे, जब आप कुछ कष्ट सहने के लिए तैयार होंगे कि भले ही कुछ भी हो मैंने इस दायरे से बाहर निकलना है। जिस दिन आप तैयार होगे बस उसी दिन आपकी जिंदगी में परिवर्तन शुरू और आपका भाग्य जागना शुरू। इतनी हिम्मत तो करनी पड़ेगी। कभी कभी प्रकृति अपने आप कुछ ऐसा करती है, पुरानी नौकरी छुड़वा देगी, कहीं से धक्का दिलवा देगी और आदमी रोएगा बैठकर, मैं इतने अच्छे से यहां रह रहा था, अब मुझे यहां से हटा दिया भगवान ने। और बाद में उसको 6 महीने 8 महीने परेशान हुआ और उसके बाद कोई बड़ा काम मिला उसे, जब बड़ा काम मिला और उसमें जब वो ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़ा पद, ज्यादा बड़ा रुतबा, ज्यादा बड़ी खुशियां, ज्यादा बड़ा घर उसका उसको मिल गया, उसके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अब जो शिकायत करता था वो धन्यवाद करता है, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, अगर मैं वहां पड़ा रहता तो वैसी दुर्गति मेरी रहती, आज मैं जहां आया हूं ये तेरी मेहर है। मैं तो उस समय कह रहा था भगवान ऐसा क्यों करा, भगवान ऐसा क्यों करा, और आज पता लगा कि तूने अगर ऐसा ना किया होता तो जो आज मिला है वो मुझे ना मिला होता, क्योंकि हम परिवर्तन से डरते हैं और भगवान परिवर्तन कराता है। तो इसकी तैयारी
खुद कर लिया करो, बदलने के लिए तैयार रहें, कुछ जोखिम लेने के लिए तैयार रहें। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना नहीं चाहते, यह बड़ी मुसीबत है। वो कोई भी जिसे आप डेंजर जोन कहते हैं ना, उस तरफ तो देखना भी नहीं चाहता, खतरे वाली जगह है, इधर जाएंगे पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन जब तक आप कदम नहीं बढ़ाओगे बात बनेगी नहीं। तो मैंने आपसे एक शब्द कहा था कि व्यक्ति को अटैचमेंट और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, किसी चीज में जुड़ना भी आना चाहिए और कब उससे ध्यान हटाना है यह भी गुण आना चाहिए। पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मन हटाया तो हटा लिया। इस अभ्यास में सबसे बड़ी चीज आती है, कहते शुरुआत करनी चाहिए आदमी को अपने स्वाद से। स्वाद जीतिए पहले, जीभ से शुरुआत होती है साधना। इसलिए सारे जितने भी उपवास व्रत वगैरह हैं जीभ से शुरू कराए जाते हैं कि पहले जिह्वा पर नियंत्रण, स्वाद को जीतना, उसके बाद कहते हैं अब वाणी का संयम, बोलने पर ध्यान। अब जैसे ये साधना पूरी हो जाती है उसके बाद कहते हैं अब मिताहार, लाभकारी भोजन, नाप तोल कर भोजन। बड़ी बढ़िया बात है ये, मतलब जो भोजन करते हुए आपके शरीर में पचे और वो फैट ना बने उतना भोजन। जैसे वो फैट बनने लग जाता है और कमर के पास आकर के वो चर्बी जमा होने लग जाती है और फिर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और फिर और सारी चीजें, ये सब शरीर को जिस तरह प्रभावित करती हैं, आर्टरी आदमी की वो गड़बड़ कर रही है और कान के पास यहां भी दो नसें होती हैं, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल जाके अपना असर डालता है, ब्रेन हेमरेज या हार्ट पर असर। और कमाल है, हमारे पूर्वजों ने हमें भारतीयों को हर घर के बाहर तुलसी का पौधा दिया। भगवान को भी भोग लगाना तो उसी का आप तुलसी दल डालना, और इसी में वो गुण है कि कोलेस्ट्रॉल को भी गलाता भी है और खून को पतला भी करता है। ये जितने भी दवाई देते हैं ना डॉक्टर लोग, जिनको हार्ट वार्ट की दिक्कत हो जाती है, खून को पतला करते जाते हैं। इतना पतला हो जाता है कुछ का तो कि अगर पिन मार दो तो एकदम फव्वारा सा निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा पा रही होती हार्ट में, ब्लड सर्कुलेशन नहीं ठीक हो पा रहा होता, तो फिर वो खून को पतला करते हैं। तो आपके यहां कितनी अच्छी व्यवस्था दी गई, तुलसी अद्भुत काम करती है, इसी तरह से काम करती लहसुन, लेकिन ये धार्मिक और भक्त लोगों के लिए मुश्किल रहती है। वो कहते हैं ना, सुबह आप शहद में मिला के चबा के खा लें, जिनको ऐसे भी नहीं खानी होती तो उन्हें घी में तल के और अपने सब्जी वगैरह रोटी के साथ जब खाते हैं तो फिर आपको 8-10 कलियां चबानी चाहिए। लेकिन मैं उसके लिए ना कह करके आपको कहूंगा, 5 तरह की जो तुलसी होती ना, इन 5 तुलसियों का जो अर्क होता है वो पानी में लिया जाए, लाभ देता है। और लोग तो बहुत प्रयोग करके दिखाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो घी तेल खाया जाए उस घी तेल को भी पचाने के लिए आपको 3 तरह की एक्सरसाइज तो जारी रखनी चाहिए, कार्डियो एक्सरसाइज और योग बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और प्राणायाम। और एक नियम होना चाहिए कि भोजन के आधा घंटा बाद आप गर्म पानी लें, जैसे चाय पीते हैं ना ऐसे सिप ले लेके। जापानियों ने 17 तरह की चाय बनाई, उसमें वो लोग जो है तरह तरह का फ्लेवर बनाए रखने के लिए जड़ी बूटियां डालते हैं।
चीनी लोगों का भी यही अभ्यास है। चीन में आपको ठंडा पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, गर्म पानी सब जगह। इसलिए चीनी लोगों को आप देखेंगे, उनके एक तो टमाटर बहुत खाते हैं, टमाटर का मतलब ही होता है चेहरा टमाटर जैसा करना, सलवट ना पड़े चेहरे पे, वो टमाटर बहुत खाते हैं और पानी बहुत पीते हैं, गर्म पानी ज्यादा। हालांकि बहुत सारा दिन गर्म ही पानी पियोगे तो आंते कमजोर होंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं बताते ना लोग। लेकिन भोजन के आधा घंटा बाद अगर आप एक कप गर्म पानी का लेते हैं, जादू जैसा असर करेगा, घी तेल को भी निकालेगा बाहर। कृष्ण भगवान जब ये कहते हैं लघुवाशी, मतलब मिताहार करने वाले बनो, विवक्त से भी और एकांत को चुनो, जिस एकांत में तुम परम की आवाज को सुन सको, उस प्यारे की, दुनिया की आवाज ना आए, तुम उस अंतरवीणा को सुनना शुरू करो जो नाद इस धरती में गूंज रहा है, आसमानों में गूंज रहा है। शांत होकर के आप उस ध्वनि को सुनना शुरू करें, अंदर शांति उतरनी शुरू हो जाती है। और कमाल तो तब होता है जब आप बहुत शांत होकर किसी मूड में बैठे हो और आपको अपने विषय के अनुसार नया आइडिया आता है, आप जो भी काम करते हैं उसका नया आइडिया। ये नया आइडिया इतना अद्भुत होता है, दुनिया की बड़ी से बड़ी नई नई चीजें जो इजाद हुई हैं, वो दिमाग में ही आई, भगवान ने दी नई ट्यून किसी अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर को, संगीतज्ञ को, किसी की नकल करके नहीं, एकदम अंदर धुन आएगी। अपने मूड में बैठा एकांत में आनंद ले रहा है, एक नई ट्यून आएगी। किसी विज्ञानवेत्ता को, वैज्ञानिक को, एकाएक उसके अंदर ये घटना घटती है, कोई नया आइडिया आएगा। दुनिया में नई नई चीजें बनती हैं, इसलिए दुनिया में बुद्धिजीवी लोग, दिमाग वाले लोग राज कर रहे हैं। आज आप देखते हैं कि इतनी इतनी नई नई चीजें आ रही हैं। पहले जो 5 साल एक समय था जब 10 साल के बाद कोई नई चीज आती थी, फिर 5 साल में हुई, फिर हर साल नई चीज, अब तो 3 महीने भी नहीं होते। इतना जल्दी संसार बदलता जा रहा है और नई नई एज के बच्चे अपने मूड में बैठे होते हैं, नया नया आइडिया ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करते करते भगवान अंदर दे रहा है। अचानक किसी को सोचता है कुछ। पुराने हम लोग जिन चीजों को याद करते हैं, जैसे गुस्ताव एफिल की बात करते हैं, गुस्ताव एफिल का नाम आपने सुना, जिसके नाम से एफिल टावर बना, कैसे मूड में था, किस तरह से, इतना बढ़िया इंजीनियर था, आर्किटेक्ट था ही, फ्रांस को नया रूप दिया उस आदमी ने। आइडिया आया तो एक विश्व का आश्चर्य उसने बना करके दुनिया के सामने प्रकट कर दिया। दुनिया जाती है पेरिस में, आप अपने शांत स्थान में, एकांत में मन को एकाग्र करके देखिए तो सही, भगवान ने आपके अंदर क्या क्या दे रखा है, वो प्रकट होने का मौका मिलता ही ऐसे है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं विभक्त से भी एकांत का चयन करना सीखो। इसलिए इन लोगों की चुनी हुई जगह अद्भुत ढंग से बनाते हैं लोग। एडिसन की जो इतना बड़ा साइंटिस्ट हुआ ना, उसकी लैब आप देखते, आप जाए ना न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के और न्यू जर्सी के बीच में हडसन रिवर है, पार करो तो उसके बाद न्यू जर्सी में 2 बड़े फुटबॉल ग्राउंड जितनी उसकी लैब थी, जिसमें उस व्यक्ति ने
दुनिया के 2000 आविष्कार किए, उसी के कारण ये क्रांति घटित हुई ना जो आज बल्ब जल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये लोग चुनाव करते थे, कहां बैठकर हमारे अंदर वो चीज आए। कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में एक जगह तो बनाओ ऐसी, जहां आप शांत होकर एकांत में बैठ सकें, भगवान का नाम जप सकें, अपना कुछ पढ़ सकें, कुछ लिख सकें, कुछ चिंतन कर सकें, और उसे बहुत पवित्र बनाइए। वहां पर आप गंदे संदे पांव लेकर मत जाओ। अब तो आप अपने कंप्यूटर वाली जगह पर भी गंदे पांव लेकर नहीं जाते, और जहां सुपर कंप्यूटर है वहां कितना ध्यान रखा जाता है। आप अपनी उस जगह को जिसमें आप बैठकर अपने मस्तिष्क का नवीनीकरण करना चाहते हैं और परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं, जगह बनाओ तो सही। कोई बाहर से इतने अच्छी बेलें चढ़ाइए, उस पर फूल लदे हुए हों, अंदर आपका म्यूजिक सिस्टम से लेकर के आपकी पढ़ने वाली सारी चीजें, आपकी ही लाइब्रेरी सब रखो, बहुत आनंद में बैठो, अपने भगवान से कनेक्शन जोड़िए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत गुजरात कानपुर उत्तर प्रदेश में देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन आवास शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है, इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली